हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की इस रीडिंग से देखते हैं आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ डेस्टाइंड है, मेड फॉर ईच अदर, या सिंपली कार्मिक ही है। आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं, एंड सिंगल हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। इससे समझ सकेंगे कि किस तरह का पाथ आपका है, डेस्टाइंड पार्टनर की ओर जा रहे हैं या सिर्फ कार्मिक ही है। यहाँ बताई हुई सिचुएशंस और सरकमस्टेंसेस अगर आपको लगता है आपकी हैं, तभी इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस भी एक्सेप्ट करें और तभी इस पर बिलीव करें। एक ही तरह का कनेक्शन सबके लिए नहीं भी हो सकता है। सिचुएशंस अगर आपको लगता है एज इट इज़ चल रही हैं, तो फिर आने वाले आंसर आपके लिए होंगे। नाउ यू प्लीज़ थिंक ऑफ योर पार्टनर इफ़ समवन, अदरवाइज सिंपली थिंक ऑफ गॉड, गॉड को याद करें। ऑलराइट, सो एट प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप का जो स्टेटस है, सबसे पहले वही देखते हैं। ऑलराइट, सो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त सेवन ऑफ कॉइंस, जजमेंट एंड डेथ, ये बताते हैं प्रॉपर प्लानिंग की कमी की वजह से हो सकता है आपका रिलेशनशिप क्रिटिकली एंड की सिचुएशन तक पहुंच चुका है ऑलरेडी, और इसमें आपको लगता है अब तक जजमेंट नहीं हुआ है। जो इश्यू है रिलेशनशिप में, दैट इज़ दिस वन। आप में से, दोनों में से कोई एक पर्सन, स्पेशली आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। ऑल राइट, सो इस वक्त जो ऑब्स्टेकल है, आई एम सॉरी, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटेकल्स एज एन ऑब्स्टेकल आए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकता है कहीं और भी मैरिड हैं। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स एज एन ऑब्स्टेकल आई हैं। लेट्स सी फर्दर। आपको जो अवॉइड करना है इस वक्त, दैट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी भी तरह का आप कोई एक्शन अगर ना लें, एंड जो आपको करना है दैट इज़ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, आपको क्लैरिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए अपने पर्सन से, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। टू टाइप्स की क्वीन यहाँ पर हैं, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है। ये अगर आपके साथ है तभी आप इसे एक्सेप्ट करें। इस वक्त आपके लिए जो एडवाइस है दैट इज़ किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स बताते हैं आप क्लैरिटी तो एक्सपेक्ट करें, बट जो आपका कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है अपने पार्टनर के साथ, उसे आप लविंगली, सॉफ्टली ही डील करें। इस रिलेशनशिप की मेरिट डिमेरिट एंड एडवाइस है पेज ऑफ वेंड्स। पेज ऑफ वेंड्स बताते हैं आपको अपने पार्टनर को लेकर के स्टैंड तो लेना चाहिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ यही बता रही हैं। इस रिलेशनशिप में एक पर्सन बहुत इमेच्योर हैं। ओके, लेट्स सी आपका पाथ क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ कपल्स हैं, ये आप ही हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये आपका पाथ है। इट मीन्स आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के आने का, बट जो पोटेंशियल है रिलेशनशिप का, दैट इज़ टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू नंबर है, मून को रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को लेकर के। मून मैटर्स अलॉट, बहुत मैटर करते भी हैं। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप का स्टेटस एट प्रेजेंट यही है, तो फिर दिस रिलेशनशिप सीम्स कार्मिक। कार्मिक है ये रिलेशनशिप, बट यहाँ बॉटम ऑफ द डेक पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो इसमें आपको थोड़ा हार्डवर्क अभी देखना हो सकता है, उसके बाद थिंग्स विल बी फाइन। बिकॉज हम कार्मिक पार्टनर से भी अगर डील करते हैं तो भी उनके साथ भी हमारा लाइफ टाइम स्पेंड होता है। मोस्ट ऑफ द रिलेशंस इन सोसाइटी, स्पेशली जो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ, दे आर कार्मिक। कार्मिक ही रहते हैं ज़्यादातर कनेक्शंस।
लेट्स सी पोटेंशियल क्या होगा आपके रिलेशनशिप का. यिन यंग, ओह माय गॉड, ये तो सॉल्मेटशिप का कार्ड है. यिन यंग डबल टू नंबर है यहाँ पर, टू टू, जो कि रिलेशनशिप में मैटर करता भी है. सो आप और आपके पर्सन के बीच अभी कन्फ्यूजन है, बट ये हारमोनी में कन्वर्ट होगा. दिस रिलेशनशिप विल वर्क. अगर सिचुएशंस आपको लगता है यही चल रही हैं आपके साथ, सो नो नीड टू वरी, ये रिलेशनशिप हारमोनी में कन्वर्ट होगा. यहाँ हम बात आज टाइम की नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये रीडिंग यही देखने के लिए है कि रिलेशनशिप कार्मिक है या कार्मिक से प्लस है. सो विद द हेल्प ऑफ यिन यंग कहा जा सकता है कार्मिक से प्लस ही है. इस वक्त आपको रेस्ट एंड रेजुविनेशन में रहना है. कॉन्ट्रैक्ट है आपका अपने पर्सन के साथ. यहाँ कपल्स भी हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट भी है आपका अपने पर्सन के साथ. थ्री टाइप्स की क्वीन यहाँ पर हैं. सो कुछ अप्स डाउन्स पर्सनालिटी लेवल पर, कॉम्पिटेबिलिटी लेवल पर हो सकते हैं. समटाइम्स यू आर इमोशनल, और इस वक्त आप इमोशनल हैं, आप वेट कर रहे हैं. बट साथ साथ आपका जो माइंड है, दैट इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, आप क्लैरिटी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और आपके लिए जो ऑब्स्टेकल है, दैट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. फैमिली के कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए इस वक्त ऑब्स्टेकल हैं आपके पार्टनर की ओर से. लेट्स सीक वन एडवाइस फॉर यू, गेट मोर इन्फॉर्मेशन. आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए अपने पार्टनर की. यस का आंसर भी है. सो कॉन्ट्रैक्ट तो आपका है. आपके पार्टनर स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं. प्रॉपर प्लानिंग आपको करना है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए. आपके पार्टनर से जुड़े हुए नंबर 172 हो सकते हैं. नेम इनिशियल्स AIJQY, OZ, BKR हो सकते हैं. ऑल राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर.